सत्र 2020-21 का अभी तक हमको छात्रवृत्ति नहीं, आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए हम लोग कलेक्टर के रहा, पहले भी हम लोग 2-3 आवेदन दे चुके थे, उसके बावजूद भी हमको नहीं सुना गया, तब जाके आज हम 21 तारीख को हम कलेक्टर के रहा। तो अभी फिलहाल कोई अधिकारी आए हैं? तहसीलदार महोदय जी आए थे, हमने कहा क्योंकि आप कलेक्टर साहब को बुलाइए, हम कलेक्टर साहब से ये पूछना चाहते हैं यहाँ रोस्टर नियम से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रोस्टर नियम से क्यों चयन नहीं किया गया बच्चों का? बोडला में इतने कम बच्चों का चयन हुआ है आदिवासियों का, क्योंकि और जबकि वो बहुल्य क्षेत्र है वो आदिवासियों का, और वो लॉटरी सिस्टम से चयन करते हैं। लॉटरी सिस्टम में आदिवासी छात्रों का नाम ही नहीं है रोस्टर, ये देश तो संविधान से चलता है ना, ऐसी लॉटरी सिस्टम से थोड़ी ना चले। अभी फिलहाल आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो रोस्टर प्रणाली लॉटरी सिस्टम से जो चयनित छात्र हैं उसको उसको निरस्त किया जाए, और जो रोस्टर नियम है उसको रोस्टर नियम से लागू किया जाए, और छात्रवृत्ति जल्द ही दिया जाए, नहीं तो हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष मरावी, प्रदेश संयोजक पुनः छात्र संघ। क्या इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य यह है कि हम लोग का छात्रवृत्ति 2021 का अभी तक नहीं आया है, 2021 का। कितने बच्चों का नहीं आया है? काफी पूरे आदिवासी छात्रों का नहीं आया है, पूरे जिले का रुका गया है और प्रदेश का भी। अच्छा, इसकी शिकायत पहले आप लोगों ने किसी और से की है? जी, हम लोग कलेक्टर सर को किए थे और सभी ब्लॉक प्रदेश के ब्लॉक सचिव महोदय को भी किए थे। अच्छा। 2-3 बार हम लोग इसका दे चुके हैं आवेदन, लेकिन अभी तक नहीं आया है। मांगे जैसे पूरी नहीं होगी तो आगे की आप लोगों को प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांगे हैं बच्चों की छात्रवृत्ति जल्द ही दिया जाए, और पंडरिया ब्लॉक के नवीन महाविद्यालय कुई कुकदूर भवन निर्माण जल्द ही किया जाए, वहाँ बच्चों की असुविधा है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को। सोनिया धुर्वे। कलेक्टर साहब को आना होगा।
होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासी छात्रों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोल तो रहा हूँ ना, चल करके तुम बड़े पब्लिक सर्वेंट है, उनका ऑफिस तो है ना, हाँ तो प्रतिनिधि होते ना तुम, प्रतिनिधि हो ना तुम, हाँ तो प्रतिनिधि चलो, प्रतिनिधि चलो, चलो ना तो बात करने के लिए बहुत कलेक्टर यहाँ नहीं आ सकता क्या? कलेक्टर साहब नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी।
किसी से भीख मांग के। कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। कलेक्टर साहब को आना होगा, आना होगा, आना होगा। कलेक्टर साहब को आना होगा, आना होगा, आना होगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। लड़ना है, लड़ेंगे। शुरू से लड़ते हुए आए हैं हमारे पूर्वज, अभी तक लड़ते अभी तक लड़ रहे हैं। चाहे बिरसा मुंडा की बात करूं, सिद्धू कानू की बात करूं, वीर नारायण सिंह हो, चाहे टाटा भील हो, चाहे शहीद वीर नारायण सिंह हो, उनके हम पूर्वज हैं, है नहीं? हाँ, वंशज है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। दादा मरकाम अमर रहे, अमर रहे, दादा मरकाम अमर रहे, अमर रहे, दादा मरकाम अमर रहे। का समय मांग रहा हूँ, मुझे बोला जाने तो, मेरे को ज्वाइन के भी 7 दिन हुआ है, प्रहटन मेरे को जाने दो। आप हाँ, मैं तभी आया हूँ बेटा, 7 दिन पहले आया हुआ हूँ। तो मेरी तबीयत खराब थी, वायरल फीवर मेरे को है, तो दूर रहना मेरे से, ठीक है? हाँ, अगर पहले वाले नहीं है, फिर भी मैं जो है आकर जाऊँगा, और 2 दिन के भीतर मैं माननीय कलेक्टर महोदय रिपोर्ट दूंगा, और आपके जिलाध्यक्ष महोदय को रिपोर्ट दे दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, और कोई ना कोई सकारात्मक रिजल्ट ही निकलेगा। आप बोल रहे हैं, है ना, आप कह रहे हैं कि ये जो प्राथमिक शिक्षा है इसके लिए जो नियम पहले मैंने बता दिया, आप जिस बात को कह रहे हैं, दूसरा पक्ष प्रिंसिपल क्या कह रहा है, इसको सकारात्मक रिजल्ट निकल जाएगा। मैं सर स्कॉलरशिप के लिए हम बकायदा आपके प्रतिवेदन को लेते हैं। है ना सर, बोल रहे हैं कि 2-3 दिन बाद फिर आ जाए। हम लोग एक साल नहीं आना है। अरे मैं बोले आप पकड़ा। अरे सुनो, हमारे सामने शिक्षा विभाग का अधिकारी खड़ा है, गुरु जी खड़ा है। अरे बात तो मानो, बिल्कुल मानते हैं, बात मानो। मैं जब कह दिया मानते हैं, मैं केवल 2 दिन का समय चाहिए, मैं मान जाते हैं, इसलिए हमारे कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब को आना होगा, छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। एजुकेशन के सबसे बड़े अधिकारी हैं यार विभाग के, आपके शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, आपके छात्र, ठीक है? प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आप लोग का फिक्स है? नहीं, आपको मिलता है, आप अध्ययन करेंगे, आपको प्राप्त होगा, आपके खाते में आता है, ऑनलाइन आता है? नहीं। शासन से बंटन प्राप्त है, थोड़ा दूर शासन से।